ऐसे बहुत सारी हुई थी, नर्चर एंड फ्यूज मैंने लैंडमार्क से करा है। तो जब यहाँ पे आया था शुरुआत में, आते ही मतलब अच्छी वाले भैया लोग दोस्त बन गए थे बहुत सारे। तो हुआ ये कि मैं क्लास लेकिन डेली अटेंड करता था, लेकिन घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मूवीज वगैरह देखते थे या फिर सिटी मॉल में घूमने चले जाया करते थे। तो वो सर कहीं ना कहीं बस मतलब जो क्लास में पढ़ा था उतना ही मतलब याद था मेरे को, घर का है कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड फ्यूज में आया तो ट्वेल्थ मैंने बहुत अच्छे से करी, उसमें घर पे भी अच्छे से पढ़ाई किया था, क्योंकि शुरुआत में रहता था कि जो शायद 10 बार तो सिलेक्शन पाई लेंगे। लेकिन जैसे ही फिर 11th स्टार्ट हुआ तो मुझे ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे को अपने ऊपर कि मुझे आता है, मैं खुद से घर पे कर लूँगा। लेकिन होता ही था जब क्लास छोड़ के निकलते थे तो इधर ही 5 मिनट के रास्ते में 3 घंटे लग जाते थे, मतलब घर पहुँचते पहुँचते। तो कहीं ना कहीं पढ़ता नहीं था मैं, लेकिन आप में से बहुत सारे सोच के जाते होंगे क्लास छोड़ के इसीलिए होंगे कि घर पे जाकर पढ़ाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं घूमते रहते होंगे। फिर भी कुछ कुछ होते हैं जो सही में घर पे जाके पढ़ लेते हैं, 2 घंटे में उनका शायद टॉपिक कंप्लीट भी रहता है किसी किसी का। तो उनके लिए एक बात है कि जैसे हो सकता है आप 2 घंटे में कर लो, लेकिन वो चीज़ आप 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, क्योंकि आपने रिवीजन करा है एक तरीके से, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं करा है। और पहली बात, कोई चीज़ आपको पहले से अगर आती हो ना, तो वैसे भी आप जब टीचर की नहीं सुन सकते तो आप घर पर खुद से कैसे पढ़ोगे उस चीज़ को। तो टीचर क्या होता है, जैसे क्लास में जब सर लोग पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें वो लोग वही बताते हैं जनरली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको ये बता सकते हैं कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्लास का। ये फर्स्ट टाइम जब नीट दिया था तब पता चला मेरे को, एग्जाम हॉल में बैठा था, कुछ क्वेश्चंस आए थे। जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ, जेनेटिक्स का क्वेश्चन था, वो ऐसा क्वेश्चन था जैसे सर ने क्लास में हमें क्वेश्चन तक बताया था यही क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन यही होंगे, बिल्कुल सही वही ऑप्शन थे, वैसा ही क्वेश्चन था। और उन्होंने ये बताया था ये प्रायोरिटी से ऐसा आंसर जाएगा, और सेम वही क्वेश्चन आया था। तब मुझे लगा कि अगर मैंने शायद क्लास बहुत अच्छे तरीके से सुना होता, 11th की क्लास की होती, तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेता। तो फर्स्ट टाइम तो यही गलती थी, फ्रेंड जोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था मेरा और जनरली क्लास छोड़ता था। सेकेंड टाइम आया था तो जो अचीवर में था इस बार ये था कि जनरली आप में भी बहुत सारी चीज़ सोचते होंगे कि अपने को सिलेक्शन चाहिए, रैंक तो अपने से होने वाला नहीं है, वो तो एंथ्यूज के लिए बना है। ये बहुत सारे बच्चों की गलत फहमी होती है, मैं भी इसी गलत फहमी के साथ यहाँ आया था। और कहीं ना कहीं बस मैं जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं इकोलॉजी वगैरह, जिस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जीओसी ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं, और जब क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर जैसे टॉपिक स्टार्ट होते हैं तो निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो मैंने भी ऐसे ही क्लास छोड़े थे जो स्ट्रॉन्ग मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे उनको बहुत अच्छे से किया था, ये सोच के कि छोटे छोटे टॉपिक से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। लेकिन मैंने छोटे टॉपिक से क्लास छोड़े थे, एग्जाम दिया, उस साल मेरे 587 आए। घर पे आए जब मैं काउंट किया कि कितने छोटे मतलब ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग बिलीव नहीं करोगे अगर आप जाके गिनना घर पे, अगर सारे मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का मिलाओगे 100 से लेकर 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, वो आप समझ सकते हो 100 और 200 का मतलब कितना ज़्यादा होता है। तो वो गलती मैंने करी थी, लेकिन इस साल मैंने क्लास भी नहीं छोड़े और जितने क्वेश्चन मतलब जितने चैप्टर्स थे उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, इसलिए आज यहाँ हूँ। और मैं यही कहूँगा आप भी यहाँ पहुँच सकते हो, अच्छे से तैयारी करोगे और रेगुलर रहोगे तो बिल्कुल पहुँच जाओगे।